एनडीए एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे स्टूडेंट्स को मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि वो मिशन एनडीए बुक प्लस 5000 एमसीक्यूज बुक को जरूर रेफर करें टू क्रैक एनडीए इन फर्स्ट अटेम्प्ट विद 400 प्लस मार्क्स। स्कोर 400 प्लस इन एनडीए एग्जाम विद मिशन एनडीए बुक, अवेलेबल ऑन Amazon। डायरेक्टरेट ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस इंडियन आर्मी की इंटेलिजेंस आर्म है जिनका प्राइमरी मिशन होता है टू प्रोवाइड टाइमली, रेलेवेंट, एक्यूरेट एंड सिंक्रोनाइज्ड इंटेलिजेंस सपोर्ट टू टैक्टिकल, ऑपरेशनल एंड स्ट्रेटेजिकल लेवल नीड्स ऑफ द आर्मी। इसके अलावा मिलिट्री इंटेलिजेंस इंडियन आर्मी के मैन मटेरियल और कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट्स या इन्फॉर्मेशन को एनमी के सामने आने से रोकती है। और आज की वीडियो हम इंडियन आर्मी के इसी इंटेलिजेंस आर्म से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी को देखेंगे और साथ ही देखेंगे कि कैसे कोई आर्मी इंटेलिजेंस कोर ज्वाइन कर सकता है। डायरेक्टरेट ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस को 1941 में सेटअप किया गया था और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में मौजूद सेना भवन में है। आर्मी इंटेलिजेंस को टैक्टिकल और फील्ड इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए ट्रेन किया जाता है जिसमें सभी नेबर कंट्रीज को भी शामिल किया गया है। अगर इनके ऑपरेशनल जियोग्राफिकल मैंडेट की बात करें तो इसे बॉर्डर से बस 50 किलोमीटर तक ही सेटअप किया गया है, पर इसे पास्ट में डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन चेंज किया गया है। आर्मी इंटेलिजेंस को नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में काउंटर टेररिज्म के साथ ही स्मॉल टीम ऑपरेशंस के लिए एक्यूरेट और पिन पॉइंटेड इंटेलिजेंस भी गैदर करनी होती है। काउंटर इंटेलिजेंस के काम जैसे कैंट और मिलिट्री एरियाज के आसपास मौजूद उन जासूसों को ढूंढने का भी है जो कॉन्फिडेंशियली इंफॉर्मेशन लीक कर रहे हैं। आर्मी इंटेलिजेंस कोर में 700 ऑफिसर्स के साथ 3000 अदर रैंक पर्सनल्स भी मौजूद हैं और इनकी स्ट्रेंथ R&AW या IB के कंपैरिजन में काफी कम है। अब अगर बात करें आर्मी इंटेलिजेंस कोर ज्वाइन करने की तो एज अ ऑफिसर ज्वाइन करने के लिए आपको NDA, CDS या डायरेक्ट टेक्निकल एंट्रीज के थ्रू ट्रेनिंग अकेडमी ज्वाइन करनी होगी जिसके बाद आप आर्म्स चॉइस सिलेक्शन के टाइम पर आर्मी इंटेलिजेंस की टेक्निकल या नॉन टेक्निकल फील्ड के लिए अपनी प्रेफरेंस दे सकते हैं। टेक्निकल फील्ड में केमिकल, IT, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल में अप्लाई करने वाले कैडेट्स को उस रेस्पेक्टिव फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए। वही नॉन टेक्निकल फील्ड के लिए एज सच कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं होती है। पहले ऑफिसर अपने पेरेंट यूनिट ज्वाइन करने के बाद भी आर्मी इंटेलिजेंस के लिए ऑप्ट कर सकता था, पर अब ऐसा मुमकिन नहीं है बल्कि एकेडमी में ट्रेनिंग कंप्लीट होने से पहले ही JCs को चॉइस ऑफ आर्म के टाइम पर आर्मी इंटेलिजेंस के लिए ऑप्ट करना होता है। आर्मी इंटेलिजेंस कोर की वैकेंसी काफी कम होती है और इसी कारण चॉइस ऑफ आर्म के टाइम पर इसके लिए काफी हाई कॉम्पिटिशन होता है। टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और लेडी कैडेट्स के क्राइटेरिया को कंबाइन करने के बाद इसमें 4-5 वैकेंसीज ही होती हैं और इसी टाइम से आर्मी इंटेलिजेंस कोर के लिए कैडेट का एकेडमी में अच्छी मेरिट में होना काफी जरूरी है। ये तो बात हो गई ऑफिसर्स की। अब अगर बात करें आर्मी इंटेलिजेंस एज अदर रैंक ज्वाइन करने की तो आप आर्मी इंटेलिजेंस के रिक्रूटमेंट सेंटर और उसके बाद होने वाले रिग्रो साइकोमेट्रिक टेस्ट को क्लियर करने के बाद ही ज्वाइन कर सकते हो। तो यही थी आर्मी इंटेलिजेंस कोर से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी। लाइक करें हमारी वीडियो को और हमेशा की तरह हमारी वीडियो को शेयर करते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।